हेलो एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का एमडी टेक इंडिया एक नए वीडियो में। आज आप लोग लेकर आ गया हूँ एक और नया वीडियो, जिसमें मैं आज आप लोग बताऊंगा कि जो रियलमी वॉच 3 है, इसमें आप कैसे जो वॉच फेसेस आप ये देख रहे हैं, यानी वॉच फेसेस या फिर यहाँ पर जो भी आपका वॉच फेस है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको आप चाहे कस्टमाइज करना है तो आप उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, और अगर आप लोग वीडियो ये पसंद आए तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अभी हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसे कि बताया था कि अभी हम लोग पास है रियलमी वॉच 3 प्रो, और आज मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ कि इसमें जो ये वॉच कस्टम ये वॉच फेसेस है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने का दो तीन तरीका है। तो पहला, जो वॉच फेसेस आपको ऑलरेडी स्मार्ट वॉच में रियलमी वॉच में इंस्टॉल्ड है उसको चेंज करने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका है कि आपको ये जो मिनी बटन है इसको प्रेस करना रहेगा, उसके बाद आपको जाना रहेगा नीचे यहाँ पर सबसे लास्ट में सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पर वॉच फेसेस दिख रहा है, इसको वॉच फेसेस सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 5 डिफरेंट वॉच फेसेस मिलेंगे, आपको जो सिलेक्ट करना चाहे आप वो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको सिलेक्ट कर लिए हैं, तो एक तरीका तो ये है। या फिर दूसरा तरीका, अगर आप जैसे होम स्क्रीन पे है तो आप इसी को जो वॉच फेस है इस पर आप थोड़ा प्रेस करके रखिएगा, तो आपको जो है यहाँ पर वॉच फेस सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो रखना है आप रख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको अभी रख लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इनको देखने में, इसको हम रख लेते हैं। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो वॉच फेस है ये 5 के अलावा कोई और वॉच फेस रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर रियलमी लिंक ऐप यूज़ करना रहेगा, जिस जो कि ये वॉच फेस ये रियलमी वॉच 3 प्रो को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए थे हम लोग पिछला वीडियो में। उसमें हम लोग जाके सबसे पहले जो हम लोग का यहाँ पर डिवाइस कनेक्टेड है, वॉच कनेक्टेड है, उसमें जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग जाएंगे फेस गैलरी में। यहाँ पर फेस गैलरी में जाने के बाद हम लोग आप जस्ट जाएंगे, आपको यहाँ पर माई फेसेस में ये 5 फेस दिखाई दे रहे हैं। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि एक टाइम पे आप यही 5 यानी कोई भी 5 फेस ही रख सकते हैं, कोई 5 फेस सिलेक्ट करके रख सकते हैं, 5 से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम किसको हटाते, चलो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर एडिट में जाके इसको यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक स्पेस आ गया है, और इसमें जो ये टॉप वाला आप देख रहे हैं जो ये वाला वॉच फेस है इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप सब कुछ को डिलीट कर सकते हैं, तो इसको भी डिलीट कर लेते हैं, और उसके बाद इसको डन कर देंगे तो यहाँ पर आपके 3 ही वॉच फेस दिखेगा। और साथ ही साथ आप जैसे ही हम यहाँ पर डिलीट करेंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 3 ही वॉच फेस शो होगा। तो आप चाहे तो 3 वॉच फेस भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग को इसमें कस्टम वॉच फेस या फिर कोई और वॉच फेस लगाना है तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारा टाइप का वॉच फेस दिया हुआ है, तो हम लोग एक तो कोई एक ये हम लोग को जी क्लासिक ग्रीन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, ये नहीं एक मिनट और देखते हैं कोई अच्छा सा। हाँ ओके, तो एक ये रहा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, बट ये थोड़ा सर्कुलर टाइप में है, ये अच्छा सा। ये तो हम लोग जो ये रोमन वाला वॉच फेस है इसको हम लोग सिंक कर लेंगे। हम लोग के पास यहाँ पर जो सिंक टू डिवाइस है इस पर सिंक क्लिक करना है, तो पहले थोड़ा डाउनलोड लेगा थोड़ी देर के लिए और फिर सिंक कर देगा। यहाँ पर आपका यहाँ पर हो चुका कंप्लीट, तो आप देख सकते हैं कि इसमें आ गया है। इसके अलावा आप कस्टम वॉच फेसेस यानी कि आप अपना कोई भी फोटो फिर जो टाइम है उसका कलर सब चीज़ कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर जो फोटो का ऑप्शन देख रहे हैं इस पर आपको जाना रहेगा। यहाँ पर आपको फोटो चेंज करने का ऑप्शन, नंबर का कहाँ पर रखना है, नंबर कलर क्या रहेगा, बैकग्राउंड इमेज क्या रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फोटो हटा चेंज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर चूज फ्रॉम एल्बम कर लेंगे, और यहाँ पर हम लोग एक फोटो कोई भी चूज कर लेते हैं अच्छा सा। ओके, तो हम लोग ये वाला जो CST का है लुक, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टाइम का पोजिशन, तो पोजिशन हम लोग के अनुसार से सही है। ओके, यहाँ पर ना ओके ये पोजिशन सही है। अब हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं कि थोड़ा सा अच्छा दिखे। ओके, तो हम लोग का कलर भी चेंज कर लिया, और इसको हम लोग सिंक कर लेंगे सेम तरीका से। तो ये सिंक हो रहा है,
और ये जो आपका डाउनलोड होता है, सिंक होता है, ये पूरा आपका आपका नेटवर्क कैसा है और आपका ब्लूटूथ रेंज क्या है उस पर डिपेंड करेगा। और आप देख सकते हैं कि ये हम लोग का स्मार्ट वॉच में रियलमी वॉच 3 में सिंक हो गया है। तो ये इस तरीके से आप कोई भी कस्टम कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ माई फेसेस में देखिएगा, यहाँ पर माई फेसेस है, यहाँ पर आपको 5 वॉच फेसेस दिख रहे होंगे। अब अगर हम लोग कोई दूसरा वॉच फेस डालने की कोशिश करें, इसको डालने का देखते हैं। तो जैसे हम लोग इसको डालने का ट्राई करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए लिख दिया, नो मोर वॉच फेस कैन बी एडेड, चूज एन एग्जिस्टिंग वन टू बी रिप्लेस्ड। तो इसको चूज करेंगे तो कोई भी जो है जिसको हम लोग हटाना चाहे वो हटा सेलेक्ट करके चूज कर सकते हैं। तो ये जो है डाउनलोड होने लगेगा और ये जो है जिसको आपने चूज किया है उससे चेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल आप एट एनी गिवन पॉइंट टाइम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 वॉच फेसेस ही रख सकते हैं, और मिनिमम वन एक वॉच फेस जो डिफॉल्ट है उसको रखना कंपल्सरी है। 1 to 5 कोई कितना ही रख सकते हैं, बट 5 से ज़्यादा कभी नहीं रख पाइएगा। और इसी तरीके से जो है आप जो इसमें जो है डिफरेंट वॉच फेसेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको कैसा वॉच फेस चाहिए, कौन सा रखना है, आप कस्टम फोटोज भी लगा सकते हैं। और साथ साथ इसमें जो है आपको, मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था कि इसमें आपको AOD यानी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है। तो उसके लिए हम लोग को सेटिंग्स में जाना रहता है, और यहाँ पर डिस्प्ले में जाने पर यहाँ पर आपको AOD का ऑप्शन आता है। इसमें आपको AOD स्टाइल आता है, जो कि आपको 2 स्टाइल आता है, एक होता है डिजिटल स्टाइल और एक होता है एनालॉग स्टाइल। तो एनालॉग स्टाइल अगर हम करते हैं तो थोड़ा देर में जो है ये बंद होगा तब हम लोग को दिखेगा। तो ये एक आपका एनालॉग टाइप का ये घड़ी यहाँ पर बन जाता है, और आप इसको टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप टाइम का चाहे कि इतने से इतने बजे के बीच ही AOD वर्क करे, या फिर स्मार्ट AOD भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसमें कुछ भी AOD नहीं लगा है। 1 मिनट, क्या हुआ, AOD की नहीं हुआ, डिस्प्ले AOD इनेबल स्टेट में स्मार्ट मोड है। अगर हम लोग इसको पहने रहेंगे तभी ये जो है वर्क करेगा, लेस अगर हम इसको खोल के रखेंगे तब इसमें AOD वर्क नहीं करेगा। ये हम लोग अब इसको पहन लेते हैं। तो हम लोग ने इसको पहन लिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका डिस्प्ले भी आ गया है, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो ये एनालॉग क्लॉक है वो यहाँ पर टाइम शो कर रहा है, वो भी आ गया है। तो इस तरीके से आप जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करके भी रख सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो। अगर आप लोग नहीं चाहे तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं, वहाँ पर ऑफ का भी ऑप्शन आता है, उससे आप ऑफ कर सकते हैं। तो फाइनली इस तरीके से आप लोग जो है वॉच फेसेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, साथ ही AOD को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और फिर अब मैं मिलता हूँ आपको एक अगले वीडियो में कुछ नए कंपेरिजन या कुछ नए टिप्स टिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और टाटा।